नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हम आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज के लिए लाए हैं जीके का क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से कुछ जीके का क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का सेक्शन हमारा रहेगा जीके का टेक्स्ट। जीके का जो टेस्ट सीरीज है उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का समझ लीजिए आपका 10 नंबर है, और 10 दहाई 100 यानी 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और हर क्वेश्चन के अंत में आपको हम आंसर बताएंगे। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि 10 में से आप कितना आंसर सही सही आंसर आप क्लिक कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, ज्वारा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन से कृष्णा, दूसरा है चंबल, तीसरा है बेतवा और चौथा है सतलज। तो आप यहां से चुने और आप बताएं कि कितना कौन सा आंसर होगा, क्विक एंड फास्ट। आई होप आपने शायद इसका आंसर दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और अपना आंसर चुनिए, फिर इस बाउच को आगे बढ़िएगा। चलिए हम आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, चंबल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन से मुंबई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है लंदन में और चौथा है न्यूयॉर्क में। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कीजिए और कितना आंसर आप दे पा रहे हैं इसके बारे में। तो चलते हैं, इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर भी दे दिया गया होगा। तो इसका आंसर होगा ए, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शंस में आते हैं, नंबर एक मुंबई, नंबर दो कोलकाता, नंबर तीन विशाखापट्टनम और नंबर चार कोची। अब वीडियो को पॉज कीजिए और आप देखिए इसका आंसर कितना है। आई होप इसने भी आपने आंसर कर चुके होंगे। तो चलते हैं, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ए, मतलब मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से बदरुद्दीन तैयब जी, नेक्स्ट ऑप्शन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेक्स्ट है एम ए अंसारी, नेक्स्ट ऑप्शन से रफ़ी अहमद किदवई। आपने इसका आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ए, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ब्लैंक स्थान है चीन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। मतलब किस चीन के साथ केजरीवाल जो दिल्ली में उसका जब चुनाव चीन क्या था? ऑप्शन ए में है छतरी छाप, लालटेन छाप या झाड़ू छाप या हाथी छाप। आप शायद इसका आंसर जानते होंगे तो और दे भी गए होंगे। तो चलते हैं, मेरा आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा झाड़ू, सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेश के नाम सूचीबद्ध है? ऑप्शन से पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और पांचवी अनुसूची। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो चलिए, हमारा आंसर है ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उत्तराखंड, हरियाणा उत्तर प्रदेश। आंसर होगा डी, हरियाणा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन से डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, वुलर झील। आप देख लीजिए, आंसर आपने दे दिया गया होगा। तो चलते हैं, हमारा आंसर क्या है, बी, मानसरोवर झील। द क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? नंबर एक गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। आप इसका आंसर दे दिए गए होंगे, तो चलिए मेरा आंसर जानते हैं कि मेरा आंसर क्या है इसमें। मेरा आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नंबर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर दो मोहनदास करमचंद्र गांधी, नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आई होप इसका भी आंसर दे दिए गए होंगे आपने, तो चलते हमारा आंसर क्या है, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आई होप यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह जो वीडियो आपके लिए तैयार किया गया था, किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे, बैंक का, एसएससी का, सेल का, रेलवे का, या दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, या किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास 10 GK था। और आप हमें बताइए इस 10 में कितने नंबर आपके स्कोर किए, हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आप टाइप करके बताइए। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कीजिए, और हमारा वीडियो अगर पसंद लगा तो ज़रूर एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो 10 इम्पॉर्टेंट GK है आपके पास पहुँच गया, अपने दोस्तों के पास भी पहुँचा दीजिए। और यदि आप नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को एक बार ज़रूर दबा दें, और आप हमें यह भी कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इसका GK का जो नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस टाइप का टेक्स्ट सीरीज आपको कैसा लगता है, यह भी आप बताइए, ताकि इसका नेक्स्ट सीरीज हम आपके लिए लाएंगे, और आप हमें बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।